नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं कुयादव। छतरपुर जिले के लिए अच्छी खबर है। छतरपुर जिले को 112 आकांक्षी जिलों की सूची में सातवें स्थान पर मुकाम हासिल हुआ है और ये सातवें पायदान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 9 जिले शामिल हैं इस आकांक्षी जिलों की सूची में और पूरे देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया था मोदी सरकार के द्वारा। और ये आकांक्षी जिले ऐसे हैं जिन्हें पिछड़ा जिला मानकर चिन्हित किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कामों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की लगातार की जा रही मेहनत का असर है कि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ, जिसके कारण इस रेटिंग में एक लंबी छलांग छतरपुर जिले ने लगाई है। अगस्त की जो रेटिंग आई है उसके मुताबिक छतरपुर जिला आकांक्षी जिलों की सूची में सातवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इसके पहले ये 52वें स्थान पर था। वहीं कृषि क्षेत्र में इन 112 जिलों में छतरपुर ने पहला मुकाम हासिल किया है। देखिए इस रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चिन्हित देश के 112 पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है और इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना विकास, पशुपालन जैसी श्रेणियों में विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। हर महीने भारत का नीति आयोग इन लक्ष्यों की पूर्ति के हिसाब से जिलों की रेटिंग तय करता है। मध्य प्रदेश के 9 जिले इन आकांक्षी जिलों में शामिल हैं और इस बार खबर छतरपुर की। अगस्त महीने की रेटिंग जारी की गई है जिसमें छतरपुर जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। छतरपुर जिले की यह लंबी छलांग है क्योंकि विगत महीने की रेटिंग में वह 52वें स्थान पर था। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के प्रयास से विभिन्न विभागों को दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की गई मेहनत का असर है कि जिले ने एक लंबी छलांग लगाई है। इतना ही नहीं, इस रेटिंग में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी पैमाने तय किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में छतरपुर जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहले पायदान पर पहुंच गया है। जिले में हुई बंपर पैदावार और शत प्रतिशत खरीदी से जिले ने रिकॉर्ड कायम किया है। कलेक्टर ने आकांक्षी जिलों की इस रेटिंग में मिली सराहना का श्रेय सभी विभागों को दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, छतरपुर जिला जो देश के आकांक्षी जिले हैं 112 उसमें रखा गया है। हम लोगों ने छतरपुर जिले को आगे लाने के लिए, मेरा ये तरीका रहता है कि मैं प्रति सोमवार जो TL मीटिंग होती है उसमें आकांक्षी जिलों में जो सब्जेक्ट लिए गए हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आधार जो निर्माण है, निर्माण कार्य जिला पंचायत वगैरह, इन लोगों के साथ बैठक करता हूं और उनको एक एक पॉइंट वार जो आकांक्षी जिलों के लक्ष्य हैं और हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उन पर चर्चा करते हैं और कहाँ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए उस पर बात करते हैं। उसके कारण ये परिणाम अभी आए हैं। आगे आज भी हम लोगों ने चर्चा की है टील मीटिंग में और आगे प्रयास रहेगा कि छतरपुर जिले में और बेहतर तरीके से काम हो, जैसे कि वास्तव में चैंपियन ऑफ चैंपियंस में ये ज़िला रहे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर यहाँ अच्छा रहेगा छतरपुर ज़िले में तो उसका सीधा सा प्रभाव, क्योंकि ये कृषि प्रधान ज़िला है तो यहाँ के किसानों को उसका फ़ायदा होगा। मेरा भी यही सोचना था कि कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में ज़िले में जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है तो उस पर विशेष ध्यान देकर के काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको सभी को बधाई दी है और बधाई उनको दी जानी चाहिए। कृषि विभाग और वेटनरी डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर इसमें शामिल होता है, तीनों विभागों के अधिकारियों को मैंने बधाई दी और आगे जो बाकी अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे भी अनुरोध किया है कि आप लोग भी मेहनत करें जिससे कि ज़िले में अच्छा काम हो और लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप तमाम खबरों के लिए हमारे तमाम प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं और अब हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।